नमस्कार। सच कहूँ हिंदी फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये लाइव सीधी तस्वीरें हम घग्गर नदी की आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आप एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार पीछे बरसात हो रही है। ऐसे में हालात बड़े हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत देश के तकरीबन 12 राज्यों में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, जहां स्थिति बहुत ही अति संवेदनशील बनती जा रही है। ये तस्वीरें हम सीधा जिला सिरसा, हरियाणा का जिला सिरसा है, और गांव मल्लेवाला के पास जो घग्गर नदी का बहाव है लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसकी सीधी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे गुजारिश है कि हमें आवाज़ का एक आधा संदेश, एक आधा मैसेज टाइप करके ज़रूर बता दें, ताकि हम विस्तार पूर्वक चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। आवाज़ हमें बता दें सही आ रही है। आवाज बता दें, हमें आवाज सही आ रही है। यहाँ गांव के लोग भी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि हालात किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण है सर। है गांव को आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा है, इससे ग्रामीण को खतरा हो सकता है। इसलिए ग्रामीण वासियों ने, अपने सरपंच साहब ने नरेगा के लोग लगा रखे हैं, जो कि कट्टे भर भर के मिट्टी के गांव की सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। सर कितने एकड़ जगह होगी आसपास की, अगर बात करें तो कितने एकड़ जो आसपास गांव है? सर इसके बारे में को नहीं पता है। तो ये ग्रामीण है यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वाकई में जिस तरीके से बहाव बढ़ रहा है, ऐसे में चिंताएं जिला सिरसा के दर्जनों गांव में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पीछे जो बताया जा रहा है कि बरसात होने की भी संभावना है जताई गई है। ऐसे में हालात और भी हो सकते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक, शेयर, कमेंट करें, क्योंकि घग्गर की ये तस्वीरें हम जिला सिरसा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल के बजाय जो है पानी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो बढ़ा है। ऐसे में अंदेशा है कि कहीं सिरसा में बाढ़ जैसी स्थिति साल 2010 की तरह ना हो जाए। देखिए ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ से देखते देखते पानी बढ़ता जा रहा है। जी बताएं। उधर बंध भी टूटने वाला है, टूटेगा वो बंध तो। अभी दस मिनट भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो खतरा है और बढ़ता जा रहा है कि कहीं सिरसा में बाढ़ जैसी स्थिति साल 2010 की तरह ना हो जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वाकई में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई देंगे। भगवान से गुजारिश है कि ऐसा ना हो, लेकिन हालात इस तरीके के बनते जा रहे हैं, क्योंकि गुलाचीका में पानी जो छोड़ा गया है उससे भारी नुकसान इस नदी के बहने से हो सकता है। तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हो, जहां बड़ी मात्रा में जो है पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर यही पानी है इस तरीके से बढ़ता चला गया तो हालात सिरसा में भी पंचकुला, अंबाला और चंडीगढ़ डेराबसी की तरह होते हुए दिखाई देंगे। लाइव हम दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें फेसबुक पर भी लाइव दिखाया जाए, और ये लाइव स्पेशली जिला सिरसा हरियाणा से हम दिखा रहे हैं, जहाँ गाँव मल्लेवाला में मौजूद हैं। जहाँ ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में हमने लाइव स्टार्ट किया था, ऐसे में 3-4 उंगलियां जो पानी है
बढ़ता चला जा रहा है। ये पुल है गांव मल्ले वाला का, मेरे पीछे देखते थे आवाजाही चल रही है, और पीछे ग्रामीण स्तर पर जो है कट्टे भरने का जो कार्य चल रहा है वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पानी का बहाव देखते ही देखते बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में ये चिंताएं जरूर बढ़ रही हैं कि पानी इस तरीके से बढ़ता गया तो हालात भयावह की होते जाएंगे। रफ्तार पानी की देखिए बढ़ती जा रही है, जो किसानों की चिंता बढ़ा रही है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक शेयर कमेंट करें। ये देखिए ट्रालियां लेकर जो है ग्रामीण बांध बांधने की कवायद जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। दिन रात पैरा दिया जा रहा है और हर तरफ जो है ग्रामीण स्तर पर जो है तैयारियां की जा रही हैं, गट्टे बांधने बांधे जा रहे हैं, मिट्टी के गट्टे हैं। पीछे भी ग्रामीण और मनरेगा के जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, और जो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए क्योंकि आज पानी छोड़ा गया है गोला चीका से तकरीबन 65,000 क्यूसिक जो पानी है यहाँ छोड़ा गया है। ऐसे में जो हालात हैं सिरसा में अति संवेदनशील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे खड़े खड़े ही पानी की रफ्तार और पानी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हालात और चिंताजनक बन गए हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा भी यहाँ सहायता की जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पानी का बहाव बढ़ रहा है ऐसे में प्रशासन और ग्रामीण स्तर पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं उन तैयारियों की जो है पानी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ऐसे में चिंता ज़रूर है। हमें कमेंट करके जरूर बता दें आवाज़ वीडियो आप तक सही पहुंच रही है। आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि ये वही घग्गर नदी है जिसने सिरसा में सन 1993 में और 1994 और 1995 के बाद साल 2010 में बड़ी तबाही मचाई थी, और भयंकर तबाही साल 2010 में इसी घग्गर नदी ने मचाई थी, क्योंकि सैकड़ों गांव रानिया के सिरसा के इसने अपनी चपेट में ले लिए थे और जलमग्न पूरा सिरसा जो है हो चुका था। लेकिन वही तस्वीरें बनती हुई यहां अब फिर से साल 2023 में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिधर नज़र दौड़ाओ घग्गर का जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है, रफ्तार बढ़ती जा रही है, और पानी 3-4 उंगलियां हमारे देखते देखते ही और ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी तरफ जो पीछे बताया जा रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि वहाँ जो ग्रामीण बता रहे हैं कि बांध टूटने वाला है। जी हाँ, जहाँ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ बांध टूटने की बात कही जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों का बहुत लंबा तजर्बा है। ऐसे में उनका कहना है कि खड़े खड़े ही हमारे पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे पानी बढ़ता रहा तो यहाँ बांध टूटने का खतरा है, और ये पानी जो है आसपास के दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लेगा, जिसे रोके भी रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि पानी की एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि मिट्टी के कट्टे भी हजारों की संख्या में
बढ़ रहे भरे जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं और प्रशासन भी पेट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको घग्गर नदी सिरसा की दिखा रहे हैं, पानी की मात्रा जो बढ़ती जा रही है, 10-15 मिनट में ही पानी 3-4 उंगलियां और बढ़ गया है। ऐसे में जो स्थिति है बेहद अति संवेदनशील होती हुई दिखाई दे रही है। लोग हैं हमारे साथ, मनरेगा के भी लोग हैं जो गट्टे भरने की कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। तस्वीरें बयान कर रही हैं, इस तरफ ये नेजाडला गांव का जो पुल है और दूसरी तरफ मल्लेवाड़ा गांव में हम मौजूद हैं, जहां बढ़ती जा रही है। जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।